क्या नाम है पेशेंट का? सर योगेश मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? जबलपुर से। आप कौन है पेशेंट के? मैं बेटा हूँ। जब आए थे तब इनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी उस समय? सर जनवरी में ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, तब मतलब लगभग 11 क्रिटिनिन हो गया था। तो डॉक्टर ने भी ट्रांसप्लांट और उसका बोला था कि मतलब आप डायलिसिस कंटिन्यू करवा लीजिए। ओके। तो उसी समय आप वही नेट से पता चला, आपकी वीडियोस देखी थी। तो हम लोग यहाँ आए और लगभग 3 महीने के अंदर वो मतलब 11 से हो गया था 6.83 और यूरिया 190 था उस समय। अच्छा। वो हो गया था 140। अच्छा। फिर वो बीच में थोड़ा फ्लक्चुएशन वगैरह हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली जो कराई है हमने, जो अभी दिसंबर रिसेंटली कराई, तो वो क्रिटिनिन हो गया 5 5 हो गया है और 140 यूरिया था, तो अब वो 90 हो गया। 90 तो बहुत काफ़ी काफ़ी उस समय है, क्योंकि वो पीरियड बड़ा बेकार था जिसमें हमको ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए कह रहे थे। अच्छा, क्या बता रहे थे डॉक्टर? उन्होंने कहा कि अब डायलिसिस को तो बहुत पहले से कह रहे थे लेकिन हम कराते नहीं थे। तो अब वो 11 पहुंच गया, तो उन्होंने बोला देखिए डायलिसिस आप कंटिन्यू कीजिए, 3 दिन लगातार करवाइए डायलिसिस, और उसके बाद आप लोग किडनी की व्यवस्था कीजिए, ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कहाँ पर बताया था? वहाँ पर हमारे डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, दो एक हम विशाल वडेरा हैं और अनिल जैन है, डॉक्टर अनिल जैन। तो एलोपैथिक में बोलते यही ट्रीटमेंट है, बोला उसमें तो कोई, क्योंकि वीक भी थे बॉडी बहुत। अच्छा। तो हमने फिर आपका वीडियो देखा था, सीधे सब आए थे हम, और उसके बाद तो 1 साल हो गया अब, तो आज देखा है तो इसी समय हम आए थे और इसी समय भी चल रहे हैं। तो पहले से तो काफ़ी फर्क है रिजल्ट से आपका? सर शिवकांत। कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम तो वैसे कानपुर के आगे के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे IIT और खास में रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो वहीं पर काम करते तो वहीं रहते। तो जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी? सर उस समय तो मतलब एक तो बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, जब आए थे तो लेके आए थे, दो लोग साथ में उठा के लेके आए थे, और यहाँ पे वो गले का बना रखा था डायलिसिस के लिए, तो बिल्कुल ही हालत ख़राब थी। खाना जो भी खाओ उल्टी आती थी, और मतलब उम्मीद ही नहीं थी सर कि मतलब एक बार पैरों पे खड़े होके और ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली सर क्या था कि मेरी सिस्टर को पहले प्रॉब्लम थी आज से 8 साल पहले, तो उनको भी सेम प्रॉब्लम थी किडनी की, तो फिर वो मतलब बचा नहीं पाए उनको, तो उनका भी इलाज चला, लेकिन उस समय इतना पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं, फिर उनको बचा नहीं पाया सर। तो इससे सर और ज़्यादा डर था कि मतलब क्या बीमारी इतनी बड़ी है और कैसे ठीक होंगे। फिर पहले तो वहाँ पुष्पवती सिंघानिया में सर हमने कराया इलाज, तो वहाँ 1 महीने तक डायलिसिस कराते रहे, डायलिसिस तो अभी भी चल रहा था, लेकिन पहले कराया था तो उस समय बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। 1.5 महीने सर बेड पे ही पड़े पड़े और पड़े पड़े, ना तो बिल्कुल उठा जा रहा था, ना कुछ खाया या कुछ भी खाओ, मतलब उल्टी आती थी। अच्छा। हाँ, और जब सर YouTube में देखा और पता लगा कि आपकी दवाई है सर, तो YouTube में आता रहता था, हमने एक बार सोचा कि सर ट्राई, एक बार सर की ट्राई कर ले दवाई क्या है कैसे क्या है। फिर आए तो सर वही दवाई जब ली तो 10 दिन के बाद सर मुझे बिल्कुल आराम, 10 दिन बाद में अपना पैरों पर चलने लग गया। अच्छा। पैरों पर पहले ले और हाँ सर पहले। क्या नाम है आपका? सर मैं प्रदीप कुमार पटेल, गाडरा बारा जो जबलपुर के पास में वहाँ से आया हूँ, और मेरे भाई को किडनी प्रॉब्लम थी। क्या नाम है उनका? अखिलेश कौरव सर। अखिलेश कौरव जी। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ सर, MD कर रहा हूँ पीपल्स से, पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल से, और मेरे भाई को 10 साल पहले हम लोग भोपाल एम्स से MD कर रहे हैं। अच्छा, तो जब आप आए थे तब तो काफ़ी उस टाइम पे प्रॉब्लम थी, और बिल्कुल सर वोमिटिंग वगैरह सेंसेस होना था, बैठ नहीं पा रहे, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी, सूजन वगैरह भी थी सर, और डायलिसिस कंडीशन थे, करीबन 16-17 क्रिएटिनिन था, 138 करीब यूरिया पड़ा हुआ था, सोडियम पोटेशियम भी इम्बेलेंस था। ओके सर, और पेशेंट खड़े होने की कंडीशन में भी नहीं थे, मतलब खड़े होने की कंडीशन में भी नहीं थे जी सर। अच्छा, अभी क्या क्या फ़र्क है इनको, कैसे कैसे आराम है अभी? सर वोमिटिंग भी नहीं हो रहा, खाना भी खा रहा है, और रिपोर्ट में भी सर फ़र्क है पहले से, बहुत अच्छा फ़र्क आया है रिपोर्ट में। यूरिया सर 100 नीचे ही आ गया, मतलब उतना तो इम्पॉसिबल है एलोपैथी मेडिसिन से, आप बड़ा चमत्कार होगा आपका। तो ये तो रिपोर्ट से आपने क्या नाम है पेशेंट का? करण सिंह। कहाँ के रहने वाले? गुड़गांव इस्लामपुर। अच्छा, आपके कौन है ये? मेरे फादर। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी इनको? सभी दिक्कत थी, जैसे चक्कर आ रहे थे, हड़के हड़के चल रहे थे, खाना पीना भी नहीं ठीक से खाया जा रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था,
यानी कंडीशन ज़्यादा ही थी, बस धीरे धीरे एडजस्ट ही कर रहे थे, बहुत स्लो स्लो चलते थे, अभी सब सही है, खा भी रहे हैं, चलने भी देखने में भी सही है, सेहत भी सही है, सही है। यानी कि जब पेट मोटा था अभी पेट सही हो गया है, ठीक है, हाँ जी सब सही है, बस उनको थोड़ी सी खुजली है, वो जो खुजली है तो मैं बता रहा हूं, पहले से बिल्कुल सही, पहले से बहुत अच्छे हैं, एकदम बेटर हैं। डायलिसिस कराया आपने? नहीं कराया। जब आए थे कितना क्रिएटिनिन था? ये तो सब मेरे को 9 था, 9 हां 9.25 थी आपकी रिपोर्ट। हां जी हां जी, वो पहले वाली रिपोर्ट है, वही तो नहीं लेके आया ना, मैं सब शादी में गए हुए थे। अच्छा, तो मैं इसलिए मैं आ गया इधर, फिर अब तो काफी कम हो गया है। हाँ जी, ये रिपोर्ट बिल्कुल, ये वाली आज की मैं लेके आया हूँ, ये अभी कराई थी 2 दिन पहले 3 दिन पहले। हाँ जी, तो इससे पहले ये दिसंबर की और वो अब की, वो अब की है, वो जो पहले वाली थी वो तो जब अपने ट्रीटमेंट शुरू किया था। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है उनमें, बढ़िया है, बस एक थोड़ी सी। हाँ जी, कुछ नहीं। 9.25 क्या नाम है पेशेंट का? उमा। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का ही हूँ, नांगली। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी उमा को? इनको सर एक तो टॉयलेट बंद हो गई थी, तो 2-3 दिन, उसके बाद इनको ना उठना भी दिक्कत हो गया था, जैसे क्या नाम बेड से उठने में भी दिक्कत हो रही थी, और किडनी भी 24 हो गया था सर, उसके बाद टॉयलेट जब इनकी आने लगी तो 14 हो गया, फिर आपके यहाँ से दवाई ली, एक महीने के 15 दिन में 3.5 हो गया। 3.5 हो गया 14 से? हाँ जी। 15 दिन में? 15 दिन भी नहीं हुए पूरे? 15 दिन, 11 दिन हुए। 11 दिन, 11 दिन के अंदर अंदर क्रिएटिनिन 14.5 से लेके 3.5 हो गया, और बाकी सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी नज़र आई है। खाना भी ले लिया, पहले भूख भी नहीं लगती थी, अब तो कह रही हैं मुझे और भी कुछ दो, मतलब जो नॉर्मल बनता है ना वो ही मांगती हैं, और नाराज भी हो जाती हैं कई बार कि हमें नहीं दे रहे खाने को, मारोगे ऐसे। अच्छा, वो थोड़ी नॉन वेज भी लेती थी, उसके लिए भी पूछ रही थी। वो भी बताएंगे आपको। और बाकी फिजिकली ठीक है? पहले से स्वस्थ महसूस कर रही हैं? डायलिसिस कराया है? एक भी बार नहीं करा। डॉक्टर ने बोला था तब कराने के लिए? उस समय भी नहीं बोला था, 14 जब था। हाँ, उन्होंने मैंने था ना टॉयलेट जो बंद, अब आ रहा है ना प्रॉपर? हाँ प्रॉपर आ रहा है। इसमें सर हम लिक्विड बढ़ा सकते हैं क्या? हमारा पता है G20NDM1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।